चले जी, मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो आजम सिद्धार्थपुर रोड पर वाके एक नहर पर, जहाँ पर कराची से आए हुए कोई नौजवान जो कराची से आए हुए एक नौजवान थे यहाँ नहर में गर्मी में यहाँ पर नहाते हुए दोपहर को 1 बजे से यहाँ पर नहाने के बाद वो लापता है। यहाँ पुलिस यहाँ पर बी सेक्शन पुलिस के जो यहाँ पर लोग उनके गोताखोर भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो टंडो आजम स्टेशन रोड पर म्यूनिसिपल वर्कर भी हैं यहाँ पर, जो इन्हीं का फ़र्द था। एक नौजवान जो बता रहे हैं नोमान नाम है, इनके वालिद का नाम साबिर था, इनकी उम्र जो बताई जा रही है 32 साल उम्र है, शादीशुदा, 2 बच्चे थे। कराची के इलाके सफूरा गोड पर ये म्यूनसिपल के इंतजाम के वहीं पर ये जॉब थी, तो यहाँ पर अपने वालिद साहब की पेंशन लेने के लिए यहाँ पर आए थे, तो पेंशन तो ले ली थी, लेकिन यहाँ से जो वापसी जा रहे थे शाम को जाना था, दोपहर को यहाँ पर अपने चंद दोस्तों के साथ कज़न के साथ यहाँ आकर जब नहर में छलांग मारी तो उसके बाद वापसी बाहर नहीं आए, बाकी इनके दोस्त बाहर आ गए। अब ये गोताखोर हैं जो आप देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं गोताखोर जो यहाँ पर इनको लाशें ढूंढने में लगे हुए, जबकि यहाँ पर बी सेक्शन पुलिस के भी यहाँ पर ऑफिसर ASI नियाज पुनल साहब भी मौजूद है, बी सेक्शन थाने के पुलिस वाले भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है म्यूनिसिपल वर्कर भी हैं और शहरी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जहाँ पर ये लाश ढूंढने में देख रहे हैं, जहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर गोताखोर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। Thank you.